दिग्विजय चौटाला ने कहा कि नूह क्षेत्र के विकास के लिए जननायक जनता पार्टी व भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजय मनोचा को अपना कीमती वोट दें। नूह नगर परिषद चुनाव के जननायक जनता पार्टी तथा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजय मनोचा के पक्ष जनसमर्थन जुटाने के लिए जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने मंगलवार को शाम पंजाबी मार्केट नूह में जनसभा की। इसके अलावा वार्ड नंबर 2 में नंगली गांव के सरपंच अब्दुल्ला तथा वार्ड 3-4 में सैफी समाज द्वारा आयोजित नुक्कड़ सभाएं कर कुछ समर्थक के घर पर जलपान ग्रहण किया। जननायक जनता पार्टी के नेता की उपस्थिति में अब्बासी समाज, सैफी समाज सहित अनेक समाज ने प्रत्याशियों ने संजय मनोचा को नगर परिषद चुनाव में समर्थन देने की घोषणा की। जनसभा में निर्दलीय चेयरमैन प्रत्याशी विक्रम सिंह वाल्मीकि ने संजय मनोचा के पक्ष में बैठने की घोषणा की। गठबंधन के प्रत्याशी संजय मनोचा ने जनता से झोली फैलाकर वोट मांगते हुए कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त विकास कराएंगे, तन मन धन से जनता की सेवा करेंगे। भारी भीड़ में तालियों की गड़गड़ाहट के बीच जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने कहा कि पिछले कांग्रेस समर्पित नगर पालिका चयनमैन के काल में भ्रष्टाचार नंबर 1 पर रहा। अब भ्रष्टाचारियों को छोड़ ईमानदार ने नर्म प्रत्याशी संजय मनोचा को 19 जून को चाबी के निशान पर बटन दबाकर भारी मतों से जिताए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला वाली गठबंधन सरकार में IIT रोजका मेव में बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित की जा रही हैं। जल्द ही नूह अलवर रोड को राजस्थान बॉर्डर तक निर्माण कार्य शुरू होगा, इसके लिए धनराशि जारी हो चुकी है। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के किए प्रयासों से जल्द ही यहां के लोगों को कंपनियों में 75% रोजगार मिलेगा। उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय भी स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, नूह के विकास के लिए तीसरे इंजन की जरूरत है। सकता हूं कि हम सब कार्यकर्ता चौधरी जाकिर हुसैन जी भी और हम सब भी जो यहां लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं, इतना अच्छा रिस्पॉन्स शहर के बीच में बाजार के अंदर, मैं ये उम्मीद करता हूं कि सभी 18 सीटों में बड़े मार्जिन से ये सीट हम जीत पाएंगे। तो पानी की बात हो, पेयजल की बड़ी समस्या इस क्षेत्र में है, उसके बाद इलाके के चौतरफा डेवलपमेंट की बात हो, मोदी जी की सरकार से लेकर के हरियाणा की सरकार तक मेवात को अपना चुकी है, गोद ले चुकी है और इसके विकास कार्यों को बहुत तेज़ी से गति भी दी जा रही है। ऐसे ही हम चाहते हैं कि ये छोटी सरकार भी हमारी इंजन इसके साथ जुड़ जाए, जिससे ट्रिपल इंजन की सरकार बड़ी मेहनत कर करके यहाँ कर पूरे होंगे। बड़ा मुश्किल समय रहा, पीछे कोविड काल का रहा, फिर किसान का आंदोलन में सरकार की सारी फंक्शनें एक तरीके से ठप रही, ऐसे में अब जब दोबारा समय हमें सबको मिला है, वो सारी चीज़ों को गति दी जा रही है, जो कोई भी मुद्दे हैं उन पर काम।